एक और बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, संगठन सरकार से बड़ा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा है। और इससे पहले भी ये बात वो लिख चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, ये क्या जताना, क्या बताना चाहते हैं इस बात से? ये लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। अंदर खाने कुछ बहुत गंभीर मामला चल रहा है क्या? देखिए, एक लाइन में समझिए, मैसेज ये है कि संगठन सरकार से बड़ा है, मगर सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। एक लाइन की कहानी यही है, क्योंकि आज कल रात में मुलाकात हुई उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। आज उनका ये ट्वीट करना, ये इस बात पे और मोहर लगाता है कि जो बात वो लगातार कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उस बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैसेज यही है, और ये भी दिखाता है कि जो उनकी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसका भी मेन सेंट्रल पॉइंट, फोकल पॉइंट यही था। देखिए, एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं। इस मुलाकात में सबसे अहम बात यह बताई गई है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं का असंतोष और उनकी असहजता ये और बढ़ रही है, और अभी भी सरकार जमीनी फीडबैक पर काम कर नहीं कर रही है, इस बात पे जोर दिया गया है। और ये अपने आप में बड़ा मसला है। ये जो यहां पर बैठक चल रही है, 10 उपचुनाव की तैयारी है, और उसमें भी अगर जमीन का फीडबैक सरकार नहीं सुन रही है, जो बातें रखी गई हैं वो बताता है कि अभी जमीन पे क्या कुछ चल रहा है। और ये भी बताता है कि इस बार केशव मौर्या कम से कम इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि एक रोड मैप तो निकलेगा ही निकलेगा, सिर्फ कहने से, सुनने से, शिकायतें बताने से, आश्वासन देने से बात नहीं बनेगी, एक कंक्रीट रोड मैप होना ही चाहिए। ये उनका संकल्प दिखाई देता है, और इसी के मद्देनजर ये पूरी की पूरी कवायद दिखाई दे रही है। लेकिन इस लाइन के और भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं संजय त्रिपाठी, इसका साफ साफ मतलब कई लोगों को मैंने ये मतलब जो, क्योंकि ये पहली बार तो लिख नहीं रहे हैं, इससे पहले भी लिखा है इन्होंने, तो कई बार तो ये लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, ये उसी का असर है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य समिति में अपना भाषण दिया था उसमें साफ तौर पर संगठन की कई सारी कमियों को उजागर किया था। वहीं केशव मौर्य का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने संगठन के पक्ष में जाकर ही कहा था कि सरकार और सरकारी मशीनरी की कमियां हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं, तो तकरार तो खुल के सामने दिख रही है। केशव मौर्य बार बार उसी बात को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, और आज का भी उनका ट्वीट ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि कल दिल्ली में क्या हुआ होगा, कल दिल्ली में नड्डा के साथ जो उनकी भेंट हुई है उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई होगी और क्या मैसेज वहां से दिया गया होगा। वही केशव मौर्य का जो ट्वीट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप साफ तौर पर विवेक समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा और दशा की ओर जा रही है। और जहां तक बात हो रही है उपचुनावों की तैयारी को लेकर के, तो आप देखिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। कल के दिन सरकार ने दो अहम फैसले लिए जिनसे साफ तौर पर अगले 10 विधानसभा उपचुनाव में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। शिक्षकों की जो ऑनलाइन हाजिरी थी उसको फिलहाल टाल दिया गया है, और इसके अलावा लखनऊ में जो अतिक्रमण गिराया जाना था कुकरेल नदी पर, उन कई सारी कॉलोनियों में बुलडोजर चलने से रोका गया है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि जिन विषयों से, जिन मामलों से सरकार की छवि को बट्टा लग सकता है, आने वाले चुनावों में नुकसान हो सकता है, उन फैसलों को लेने से बचना है। और अगर ऐसे फैसले लिए गए हैं तो कदम बैकफुट मिलाना ही बेहतर है, ताकि लोकसभा चुनाव के तरह हालात ना हो जाए, हवा में उड़ते रहें, सीटें कम हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आपको बताने वाला हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आएंगे उस बड़ी अपडेट पर, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से अपडेट ये है कि जो विधानसभा के सीटों पर कुछ जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, बैठक हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।